मिया, ये सीजन का सबसे अच्छा आम है, अब तक नहीं खाया था हमने। क्या चिच्चा, बेटी की शादी कर रहे हैं कहते? ससुराल वालों को फोन करके बोल दूं पहला रसम टूटा सो? अरे ऐसा जुल्म लोगों करो बाबा। ठीक है, एक 10,000 रुपए तो दो। 10,000 मैं गरीब आदमी कहाँ से दूंगा? अरे गरीबों कुछ लूटना है समझे, सारे फैसिलिटी तुम लोगों को, ग्रीन कार्ड, आरोग्य श्री कार्ड, व्हाइट कार्ड, रेड कार्ड, कितने की कार्ड है, हमारे जैसे लोगों को क्या फैसिलिटी है? वो सब मेरे को नहीं मालूम। काम करो, 100 आदमियों को कम कर दो दावत में। नक्को बाबा, वो सब नहीं, मैं यहाँ कहीं बात खत्म कर देता हूँ, आप ये रख लो। ठीक है, बाकी के पैसे वलीमे में आके ले तो। अरे चीचा, ये भी है, जरा इन लोगों से बैठने के पैसे लो, फुगट बैठने नको दियो। अरे मैं मंगा तो ले दिया, अच्छा हुआ इन्हें छीन लिया तो। अरे मियां भाई बैठा हुआ है, तवायफ आ रही है, गली बदल लेंगे क्या? सूरता बदल ले, टेढ़े बिंगे कर ले, होता रे दूसरी गली से। भानावती के कुंभे किधर आए थे? बस्ती में मुजरा करने आए थे, वो बशीर भाई से मिलने आ गए थे भाई। अच्छा, का जरा तेरा फोन तो दे। हेलो, यस, हेल्थी वेल्थी हॉस्पिटल बोलिए, आपको डेड बॉडी चाहिए क्या? कौन है आप, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं एक मेहनती किलर हूँ, महीने में 30-35 लोगों को मार के उनके बॉडी यहाँ कॉलेजों में हॉस्पिटलों में सप्लाई करता हूँ, आपको भी होना है क्या? थोड़े एक्स्ट्रा मर गए मेरे हाथ से। क्यों मर्डरर, अभी मैं तेरा नंबर पुलिस को देती हूँ। अच्छा ठीक है, तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे हॉस्पिटल में फोन करने की? तू है कौन? तेरा एड्रेस दे, बोली ना एड्रेस, बोली ना मैं कहाँ है तू, बोली ना मैं एड्रेस दे, एड्रेस ची गंदे पट्टे। अस्सलामुअलैकुम चीचा। अरे हाँ, अरे सीधा बोलना नहीं, धक्का कहीं को मारा, धक्के मारने कैसे पैदा हुआ? धक्का मारने पैदा हुआ। अंकल, ये मियां भाई को क्या बस्ती वाले तनख्वाह दे के पैरा देने रखे, या इन्हें पोकट का चौकीदार? चौकीदार और थानेदार की बातें बाद में, पहले केक काट लेते हैं। ओ, आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है नहीं, वैसे कितने के हो गए तुम? मेरा मतलब किलो नहीं पूछ रहा हूँ, उम्र पूछ रहा हूँ। एज नहीं पूछते लड़कियों की। ओ, केक काटो। अंकल, एक मामूली बैगन भी लिए तो कीड़ देख के लेते, तुम ये मकान लेने से पहले बस्ती नहीं देखे? क्या करेंगे मियां, जरा सस्ता मिल रहा था बोल के ले लिए, और दूसरी गलती ये है गलत आदमी को किराए पे रख लिए, अब दिन रात महफिलें सज रही। सस्ते चीजें अक्सर महंगे पड़ जाते अंकल, और दूसरी बात, दामाद अच्छा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मगर किराएदार अच्छा मिलना। मियां भाई, ये बस्ती को कीड़ लग गया वैसा लग गया, सही बोल रहा ना? और ऐसे लोगों को छेड़ना क्या, किचन में पत्थर मारना है? करेक्ट, गरीब लोग आए हो, मेरा बच चले तो किचड़ खुन जैसा खुनल तो उसको। अरे चलो मैं चलो, वो सलीम लगने के वलीमे में भी जाना है ना, पूरा आने फरमाइशा रहता है उसके, इस बार जरा ठेका तुम सही लगाओ, नहीं तो वही बात हो जाएगी, दही की अंडी को बैगन का ठेका। चलो चलो चलो, भाई तवायफ आ गई। बस्ती को महबूब की मेहंदी बनाने का इरादा है क्या? हाँ, हम लोग मुखद्दर के सिकंदरा है, नसीब में अदाकारा बनना लिखा था मगर कलाकारा बन गए। ये लोग कलाकारा है तो हम क्या है रे, जमेदार है। कलाकार तो बड़े भाई है, भाई के गले में सरस्वती है। भाई तुम लोग की तरह कला को बाजार में नहीं बेचते। क्या रे आतंकवादी, सर पे कफन बन के भूत पोजा मार रहा, 1,000 रुपए तो निकाल निकाल, बहुत फ्रेशनर मंगाना है, ले बजरंगी। अरे क्या भाई, 1,000 रुपए का मौत प्रश्न आता जो उन्हें 1,000 रुपए ले आ? याद रखो, अब ये बस्ती में आना है तो 1,000 रुपए रख के आना पड़ता उसके मुंह पे मारने के वास्ते, समझे? अच्छी बात है, चलो अब। हाँ रे टकले, धूप में कहां फिर रहा, जरा ऑफिस को आबाद करना है तेरे से। तू सुना कैसा इतनी खराब बात, जूता फेंक के मारना था उसको। जूता? अरे उसके कुल्ले की हड्डी सरकाने का जिगर है रे मेरे पास, तेरे पास है उसके सामने बैठ के बात करने का? क्या बात है ये तेरे, ऐसे गीतों का काम ही छे बुलबुलों को तकते रहना,
इन लोगों की बातों का क्या टेंशन है ना। मैं बोल रहा था तरन्नुम को कोई दूसरे लेन से ऑफर दिए तो हो सकता है वो ऑफर कबूल कर ले। ए देख, इसको बोलते कोऑर्डिनेशन, इसको बोलते मशवरा। अगर तरन्नुम से डायरेक्ट मुझे डील कर लिया तो अपना क्या बैगन का फायदा। अगर अपने थ्रू डील हो रही तो दो तुमको, तीन ये गरीब को, चार मेरे को, ये है मकबूलियत। अरे चुप बैठ, अगर ये बात तरन्नुम को पता चली कि हम ये सब सुनकर खामोश बैठे हैं तो थूकेगी हम पर। देख बेटा, अपने पेशे में बाजार की गाली हंस के टाली, ये बात तरन्नुम को अच्छी तरह मालूम है। अन्नदाता, कितने ख्याल हैं आपके, कितने रूप हैं आपके। ये दांत किसका है रे? हत्ती का। मैं समझा तेरा है ना। आई मेरे टखले। अरे शब्बीर, अपने से तो अच्छी जिंदगी किसकी है मालूम? टीवी सीरियल वालों की। सही बोला, लाखों रुपए कमा ले रहे। देख, अपन वही लखीर के फकीर है, क्या बोलेंगे। फोन आ रहा है, रुक क्या। एक मिनट भाई, जर्रा पकड़ बाप, नहीं तो ऐसा चलाते चलाते एक दिन अपन चल देंगे। गाड़ी साइड में लेता हूं। क्या तो मेरे भैया। हेलो, क्या है जी? जरा घर को आना, पापा को तुमसे बात करने का है कुछ। ये घड़ी घड़ी घरों को नक्को बुलाओ, अच्छा नहीं दिखता। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? वो डेंगू का मच्छर फिर काटा क्या? वो मियां भाई के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, इसलिए बुला रहे हैं। ठीक है, रखो, हमला पहुंचते। अरे भाई, वो मियां भाई की किच्ची दिख रही, मैं तो नहीं आता। देखो, उन्हें मियां भाई है तो अपन मियां बाप है, समझा? पकड़। आहा भाई, मुझे याद आ रहा आपके ऑर्केस्ट्रा का। क्या रे, ये बस्ती का चौकीदार मियां भाई नहीं दिख रहा? सब दीवाने हो गए आपके। अरे इधर ही चाहिए भाई, ये तवायफ हमारे इलाके में क्या कर रहे हैं? यहां है कौन सी गली? अरे यहां है रे। अरे वो खरगोश कहीं ऊपर उड़ रहा है, पेट्रोल पी लिया शायद। अपना खरगोश आ रहा है, देख पीछे से। तवायफा नहीं रे, इन लोगों को ढवे बोलते। या किसके पास शराफत की बीन बजाने आए? बीन सपेरे बजाते, हमला बैंड बहुत अच्छा बजाते। वैसे बशीर भाई की तबीयत खराब हो गई तो पूछने आए थे। बशीर भाई क्या लीडर मिनिस्टर है जो तुम लोग देखने आए, या तुम लोग डॉक्टर है? हाँ, हाँ डॉक्टर ही चाहिए हम लोग। इंजेक्शन होना तो आ जाओ। चलो, 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 चल, चल। जी भाई, चल। ये काले कौवे को कोई आगे कान में बोलता, अपन इधर जा रहे उधर जा रहे बोल के जो हर मोड़ पे मिलता ही नहीं अपने को। अभी काला कौवा कौन है भाई? अरे वो इस गैस पहलवान मियां भाई रे, जो अब भी मेरे हाथों से बच गया। अरे तुम लोग देखे रे, अब भी ऐसा घूर के देखा था। हाँ। निकल के ऐसा भागा। हाँ। मालूम तुम लोगों को? हाँ, ऐसा। अरे छोड़ो मियां, उस गुंडे की बात है, इस मोहल्ले में रहने तक ही है, फिर कौन उसका जिक्र करते। तुम भी अंकल गम लगा के चिपका लेके बैठ गई है घर को, आजू बाजू कोई सेटिंग डाल के रखेगा। हाँ? मजाक कर रहा हूँ आंटी, छोड़ दो ना जी घर ये। क्या करेंगे बाबा, 5 लाख रुपया दिया हो एडवांस 2 साल के एग्रीमेंट के ऊपर। आंटी, एक बार मकान मालिक से बात करना था, नहीं माना तो हम अपने तरीके से समझाते। उन्होंने भी क्या करेंगे भाई, पूरी आजादी दे दी है, कोई भी ग्राहक ढूंढ लो बोले। किसकी अकल मारे गई ये बस्ती में घर लेने के वास्ते? 2 साल का एग्रीमेंट, मुसीबत में 2 साल बहुत लंबे होते। अरे क्या मियां तुम लोग, अंकल को ये टाइम हिम्मत अफजाई देने का उनको डरा रहे? अंकल तुम फिकर न करो, रद्दी कागज की डील हो जाती, ये तो तुम्हारा अच्छा खासा मकान है, किसको भी टिका देंगे यहाँ पे। हा? अरे मियां, जमील कंडे का वलीमा है नहीं? अरे उन्हें उसका फेवरेट गाना भी डालो बोला आज, ये काली काली भाई। तवायफ बाहर आ गई, शरीफ आदमियों के लिए ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। मियां भाई जरा पैर खरीब कीजिए। मेरे पैर लंबे हैं तो मैं क्या करूं? मियां भाई, एक तो गली छोटी, उसपे से आप छोटे, आपके पट्टों को देखे तो जरूरत से ज्यादा लंबे, ऐसा बीचों में पैरा रख के बैठे तो आने जाने वाले लोग कहाँ से जाएंगे। एक काम करो, स्पाइडरमैन के जैसा आओ जाओ। मियां भाई बहुत हो गई अब तुम्हारी भाई गिरी। क्या कर रहा भाई? तंग करके रख दिया साहब, किसी दोषी सा का घर से निकलना मुश्किल होगा।
कोई लड़की इनके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए तैयार है? जीना तमान इंसाफ का तराजू में, डिंपल कपाड़िया जख्मी औरत में, कंप्लेंट करके देख लिए क्या मिला उन लोगों को सिवाय बदनामी के। एक शरीफ औरत पुलिस और गुंडों के चक्कर में कई को पड़ेगी। आपका मतलब पुलिस और गुंडे एक बंडी के दो बैल है? अरे वो आपको मालूम साहब, कौन किसके आगे है, कौन किसके पीछे, वो सब कई को अपने को। आप कंप्लेंट लिखो ना। नमस्ते साहब। क्या रे बस्ती में गुंडागर्दी कर रहा करते ना? इतना बड़ा इल्जाम कौन लगाए मेरे पे? इन लोगों के साथ झगड़ा करा करते ना तू? अल्लाह, इतनी बड़ी झूठ। ये देखो साहब, आपको तो मालूम है मेट्रो रेल का काम चल रहा है। एलएनटी वालों को मैं बोला बस्ती में पहले चलने को जगह नहीं है, लाइन चेंज कर दो, तो एलएनटी वाले मेरी बात सुन के लाइन चेंज कर दिए। रास्ते में सलीम जावेद मिल गए थे शायद, अच्छी स्टोरी लिखा के लाए। इतनी बड़ी कंपनी साहब मेरी बात सुन के लाइन चेंज कर दी। और ये भाई लोगों को मैं सिर्फ इतना बोला कि भाई साहब जरा गाड़ी बाजुक पार करो, बोलना गुनाह हो गया साहब। बब्बा तुम्हारी झूठ को नेकी आओ, पैदल आए ना जी, हम लोग गाड़ियों पे आए, आज पुलिस का डंडा मेरे हाथ में रहना था। अव्वा, इतना काई को झूठ बोल रहे मियां भाई? अरे चुपे, इतना बोला गुनाह हो गया साहब। उसके बाद पूरे लोग ऐसा टूट पड़े मेरे पे, वो शिकारी कुत्ते बकरी पे टूट पड़ते, देखो वैसा सब मेरे पे टूट पड़े साहब। ये देखो यहाँ देखो। वो तो भला हुआ बस्ती वालों का जो एंड टाइम पे आके मेरे को बचा लिए। झूठा झूठ बोला तो सच्चे की फटी कहते। आप किसकी बात सही समझना? टास कर लो साहब। अरे वो सब छोड़ो इंस्पेक्टर साहब, ये बताओ आप कंप्लेंट लिखते या नहीं? आई ले इंस्पेक्टर साहब, इन्हें तो दीवार के शशि कपूर कैसा धमका रहा आपको, भाई तुम साइन करोगे या नहीं? बेटा हमें कानून मत सिखाओ, हमें अच्छी तरह मालूम है कब क्या करना है। चलो तुम सब फुट आप चलो। क्या इंसाफ है, अमिताभ की अंधा कानून हिट हुई। क्या है रे मियां भाई, ये कब तक तेरी सफाई देते रहूंगा मैं? सॉरी साहब, आइंदा से किसी को शिकायत का मौका नहीं देते। ठीक है चल। ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని సరికొత్త సినిమా వీడియోల కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఇక్కడ ఉండే ఈ గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. మేము అప్డేట్ చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి.